प्रिय भावरा, हर तरफ से हिंदू कोड बिल का तीव्र विरोध हो रहा है। और हाँ, बुद्ध की मूर्ति जो माडिगेलकर सिद्धार्थ कॉलेज के लिए बना रहे हैं वो अब लगभग पूरी हो चुकी है, और साथ ही बौद्ध धर्म अपनाने का मेरा निश्चय भी। मैं बचपन से ही बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा हूं। जब मैंने दादा केडोस्कर लिखित बुद्ध चरित्र पढ़ा था, जो एक प्रसिद्ध लेखक और पिताजी के मित्र भी थे, उन्होंने ये किताब मुझे भेंट दी थी। जीवन भर मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले और भगवान बुद्ध। बौद्ध धर्म अकेला धर्म है जो तीन सिद्धांतों की शिक्षा देता है, प्रज्ञा, करुणा और समता। बौद्ध धर्म ही विश्व में शोषण का समाधान है। लोग आज किसी तरह बौद्ध धर्म को साम्यवाद के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर साम्यवाद का आधार जबरदस्ती है और बौद्ध धर्म का अहिंसा। विश्वास है कि एक दिन मानवता को बचाने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया बौद्ध धर्म स्वीकार करेगी। वो वचन दिया था कि समय आने पर मैं देश के हित में रास्ता चुनूंगा, और मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करके देश को एक महान भेंट दे रहा हूं। ये धर्म भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। लेकिन तब आप अछूतों के लिए मिले हुए आरक्षण और सुविधाओं से वंचित नहीं हो जाएंगे? क्या ब्राह्मण इन आरक्षणों के बदले में अछूत होने के लिए तैयार हैं? हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हैं आप? आप अपने बाप दादाओं से क्यों नहीं पूछते ये सवाल? हमारी कोशिश अपने मूलभूत मानवाधिकार और आत्मसम्मान पाने की है। पर बुद्ध धर्म में क्यों? क्योंकि बुद्ध का धर्म नैतिकता और आचार नियमों पर आधारित है। इसमें कोई जाति प्रथा नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म का सामाजिक उपदेश ही असमानता है, जबकि बुद्ध धर्म का उपदेश समानता है। क्योंकि बुद्ध के उपदेश आधुनिक, बुद्धिसंगत और सदा समकालीन है, कोई कट्टरपन नहीं। वो चाहते हैं कि आपका सोचना और जीना विवेकपूर्ण हो। बुद्ध के अलावा दुनिया के सारे धर्म संस्थापकों ने अपने आप को मसीहा कहा। सिर्फ बुद्ध ही हमेशा मार्गदर्शक बनकर रहे।